जो हॉलैंड आलू है और कंचन आलू है वो कुछ कम नहीं कर रहा है, सिर्फ सोना आलू 50-60 कट्टी नहीं कर रहा। खेत में अगर देखेंगे तो इस खेत में भी आलू देखिए खुदाई हो गई, तो आगे वाले खेत में चलते हैं। अब लग लगो अब लग लगो। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है ठटिया और मानीमो क्षेत्र के बीच में, कहीं ना कहीं रोड से जा रहे थे और हार्वेस्टिंग होती हुई नजर आये, सिर्फ सोना आलू की खुदाई चल रही है। तो किसान भाइयों आइए चलिए आगे भी दिखाते हैं आपको किस तरीके का आलू निकल रहा है, क्या आलू की पोजीशन है, और किसान भाई उधर साइड में है तो किसान भाई से भी बातचीत होगी। और इधर अगर देखेंगे तो किसान भाइयों आलू जो है कहीं ना कहीं साइज उस तरीके का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाई लगातार आलू खोदने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बातचीत भी करते हैं और दिखाते भी है क्या स्थिति है। और इधर की तरफ अगर देखेंगे तो इधर वाली लाइन में देखिए आ जाइए, इधर वाली लाइन में आएंगे तो भैया ये देखिए आलू अगर देखेंगे तो इस लाइन में भी लगातार आलू कहीं ना कहीं ये देखिए पूरा दिखाते हुए चलिए भैया देखिए अगर देखेंगे तो ये पूरा आलू लगातार पड़ा है, लेकिन पिछली वर्ष की तुलना कहीं ना कहीं इतना साइज मोटा नहीं है। तो देखिए इधर तरफ अगर देखें तो उस तरीके का साइज मोटा नहीं बन रहा है। तो किसान दद्दा है, दद्दा से भी बातचीत होगी। और इधर अगर देखें तो भैया पैकेटों की हल्की फुल्की जो है कहीं ना कहीं लाइनें छोटी मोटी लगी हैं। तो ये स्थिति है, ये कहीं ना कहीं नेरा क्षेत्र अगर माना जाए तो नेरा क्षेत्र का ये हाल है। और बातचीत भी करेंगे किसान दद्दा है क्या माहौल है, किस तरीके का आलू निकल रहा है, क्या उम्मीदें हैं आगे चल के आलू के भाव में, और क्या आलू का भाव बढ़ सकता है या डाउन हो सकता है। तो इन सभी बातों में बातचीत भी होगी, तो सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। तो माता जी आप ही खेत है का आप करे उद्दा, खेत वाले कौन है? निर्मल कुमार। आप करे उद्दा, आप बताओ उद्दा का नाम है आपको? हमारा नाम महावीर। उद्दा ये जो आलू करे हो आप जैसे जिस खेत में जो सोना आलू है, क्या इसकी उम्मीद है, कितने पैकेट बीघा तक निकल रहा है? ये 50 किलो की है उम्मीद। 50 पैकेट की उम्मीद है? हाँ। तो क्या आगे चल के उम्मीद है, कुछ महंगा होगा आलू का भाव? कोई नहीं पता। कितने रुपए में समय खेतों में बिक रहा है? अबे खेतों में 700 को महंगा हो जाएगा। 700 को आप दद्दा बातचीत करते हैं, दद्दा बातचीत करते हैं। दद्दा आप तो आपकी मांग तो आगे आगे बन गई है, आप बताओ दद्दा का नाम है आपको? नाम राजू। दद्दा आप ये खेती करे हैं क्या? ये वाला खेत करे नहीं, बिना ही रहे, बिना ही रहे। तो अगर जाना जाए क्षेत्र में आप तो लगातार काम करते रहते होंगे, तो सभी लोगों का आलू इस तरीके का निकल रहा है या कुछ लोगों का इससे थोड़ा कम निकल रहा है? कम ना, इससे कम कोई ना, इससे ऊपर ही हो जाते हो, 50 से ऊपर ही हो जाए, 55-60 यही तो। अच्छा, तो ये एवरेज है लगभग भैया। तो इस क्षेत्र में जो सोना आलू है, सोना आलू सबसे महंगा बिकता है, तो क्या कुछ एवरेज आप लोगों को भाव मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है भाव? अब इंसान सही है, जो 7 सही में खेत में बिक रहा है, 7, 7.5, 8 सही में, तो सही है भाव, समझे? भाव सही है। तो क्या इस साल को लग रहा है कोल्ड लोड भर जाएंगे आपके क्षेत्र में? कोल्ड तो 27-90 ने ये जिला कन्नौज। तो आपके आसपास वाले कुछ भर भी उम्मीद है? आसपास वाले भर जाएंगे, 2-4 कोल्ड, 2-4 भर जाएंगे। खबरें ना भरिया, खबरें थोड़े बहुत कम ही रह सका। खुदाई वगैरह कितनी अपने क्षेत्र में हो गई, कुछ बचो? अब लग लगो, अब लग लगो। अब 10% खुदी को ये ना खुदी को? अब ना 10%। तो भैया अभी अगर बात की जाए तो भैया अभी है शुरुआत, और इस खेत में अगर देखेंगे तो इस खेत में भी आलू देखिए खुदाई हो गई, तो आगे वाले खेत में चलते हैं। और देखिए लगातार कहीं ना कहीं खेतों में खुदाई का सिलसिला जारी है, और सभी खेतों का आकलन भी आज कराएंगे, आज के वीडियो में कई खेतों में आपको चलेंगे और दिखाएंगे भी। देखिए इधर तरफ अगर आएंगे तो ये ऊपर वाला है, ये दूसरा खेत है, और इस खेत में पैकेटों की अगर देखेंगे तो पैकेटों की लाइन उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की पिछली बार लगती थी। ये देखिए लाइन जो है कहीं ना कहीं उतनी बड़ी नहीं है जिस तरीके की पिछली बार लाइनें लगा करती थी, लगातार कहीं ना कहीं आलू की पैदावार उस तरीके की जबरदस्त तरीके की निकलती थी। देखिए इधर वाले खेत में आएंगे तो इसमें भी वही स्थिति है जिस तरीके की बगल वाले खेत में, वही लगभग सेम स्थिति इस खेत में भी है। तो इस खेत के जो मालिक है उनसे बातचीत भी करेंगे, और अगर देखें तो बेलब्बी क्षेत्र में कहीं ना कहीं खेतों में ये देखिए नजर आ रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं किस तरीके का आलू निकल रहा है और क्या इनका अनुमान है, खेतों में ये लोग बेच रहे हैं या कहीं ना कहीं कोल्ड में डाल रहे हैं। तो भैया खेत मालिक कौन है, यहाँ है कोई खेत मालिक? ट्रैक्टर चला रहे तो आप तो है ना, काम हम कर रहे हो कि नहीं, ये सब करे काम कर रहे हो ठेका पे? तो भैया ठेका वाले बाब आलू भर रहे तो आपको तो बढ़िया एवरेज रात भी, क्या उम्मीदें हैं कहीं तो का माहौल चल रहा है? उम्मीद का माहौल तो ठीक है, बढ़िया माहौल है भैया, दे रहा है भैया बढ़िया माल वाले बातचीत होती है। तो भैया आप बताओ, आप तो लगातार ठेका ले रहे हुई हो, तो कई लोगों ने आलू खोद चुके हैं अभी तक? अब लगभग दूसरे आदमी ठेका खोद रहे हैं। दूसरे आदमी ठेका खोद रहे हो? तो दूसरे आदमी ठेका खोद रहे हो तो सब लोगों के आलू ऐसा नहीं कर रहे हो कि कम नहीं कर रहे हो? सब कह रहे जो हॉलैंड आलू है और कंचन आलू है वो कुछ कम नहीं कर रहा है, सिर्फ सोना आलू 50-60 कट्टी नहीं कर रहा।
50 60 कट्टे तो ये क्षेत्र में कुछ बिखरो आलू के। हाँ, आलू बिखरो है लगभग 700 रुपया 720 रुपया 735 रुपया। ये किसान जो जिसका खोद रहे। हाँ, ये चिफलोना आलू, ये तो खेते में बेचा जाएगा, ये कोल्ड डाला, ये कोल्ड में डाला जाएगा, ये कोल्ड में डाला जाएगा। अच्छा, ये नया सीड का है, गाड़ने के लिए आएगा। अच्छा, ये गाड़ने के लिए अगली बार आएगा। तो ये भैया आलू बिक भी रहा है। अच्छा, चिफलोना आलू बिक भी रहा है। तो आप लोग ये ठेके पे ही पूरा मतलब करते हैं? हाँ, ठेके आमदनी के हिसाब से नहीं, मतलब पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से नहीं। तो इधर पर डे में ही हमें 300 रुपया मिले, 500 रुपया कमाओ, 22 रुपया पैकेट। अच्छा, इधर क्षेत्र में अगर बात किया तो दादा, तो कितना आलू खुद गया होगा, कई परसेंट तक? अभी तो बहुत बहुत लगभग आलू लगभग 30% आलू खुद गया, 70% भैया, 70% अबे है। अच्छा, ये कौन सा गांव पड़ता है अपना? ये वाला ये गांव सिमुआ पर है, बेटा है, बेटा बेटा गांव पास, बेटा गांव में अभी लगभग 90% आलू खड़ो है। बेटा 90%? हाँ, 90% खड़ो, 90% मान, 90% मान। तो बेटा में ज्यादा लेट आलू होता है? बेटा में सबसे आलू के अलावा कुछ होते नहीं, आज टोटल सिर्फ सोना होगा खेती और दूसरी कोई खेती नहीं। अब इधर ये जहाँ हम लोग मेरा गाँव खड़े हैं, ये गाँव खड़े हैं, लगभग लाल आलू 60% हो, लाल 60%, चिप्सोना 40%। हाँ, चिप्सोना 40 और कहीं ना कहीं लाल होता है 60%। दादा, अगर माना जाए पिछली बार भी आप लोग थोड़ा बहुत काम हम किए होंगे, पिछली बार हम देखते थे कि आलू की पैकेटों कहीं ना कहीं लाइनें जो है बढ़िया तरीके लगती है, इस बार लाइनें थोड़ी छोटी छोटी नहीं, बहुत अच्छी लगी लाइन लगी। साल से इंसान आलू ज्यादा है, आलू ज्यादा है इंसान। हाँ, इंसान से प्रसाद से अरे 10 कट्टी बीघा आप ज्यादा कर रहे हो। हाईलैंड आलू का, हाईलैंड आलू, चिप्सोना आलू, सबको सबको तो मौसम बढ़िया रहा, मौसम बढ़िया रहा। तो ये भैया स्थिति है, अगर देखेंगे तो भैया उस तरीके की हमारी अंदाज से हमें लग रहा है कि थोड़ा आलू कम निकल रहा है, लाइन उस तरीके की नहीं निकल रही। जो ये भैया काम करने वाले हैं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का अनुभव भी अच्छा होता है, क्योंकि ये कई खेतों का लगातार सर्वे करते हैं और कार्य भी करते हैं, और कहीं ना कहीं पैकेट, देखिए भैया की एक काम और भी है कि पैकेटों के हिसाब से इनकी गिनती भी रहती, तो इनको आकलन रहता है कि किस बीघा में कितने पैकेट कौन खेत में निकला। तो ये आकलन है भैया का, और ये अपडेट कहीं ना कहीं ठटिया और मानीमो क्षेत्र का है, और इस क्षेत्र में अगर माना जाए तो चिप्सोना आलू के नाम से मशहूर है, और चिप्सोना आलू ही इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान, जय किसान।